दोस्तों क्या आपको पता है कि आपके नाम पर आपके जानकारी के बगैर कितने सारे नंबर्स एक्टिवेट हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कोई नंबर को बहुत पहले एक्टिवेट किया, यूज किया, अब वो नंबर जो कहीं खो गया है, कोई और इस्तेमाल कर रहा है, वो चालू है, ऐसा भी तो हो सकता है। या तो फिर आपका डॉक्यूमेंट अभी, मतलब ऐसा हो रहा है कि आप सिम कार्ड लेने से पहले फिंगरप्रिंट आपका ज़रूरी है और आपका फ़ोटो जो है लिया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, आपकी डॉक्यूमेंट की जेरोक्स कॉपी और आपके पास फोटो से आपको जो है सिम कार्ड मिल जाता था। तो हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स के कॉपी जो है किसी और के पास हो, आपका फोटो किसी और के पास हो, या तो फिर जो दुकानदार जहां आप जाकर सिम कार्ड्स लेते थे, कुछ लोग ऐसा भी, ऐसे दुकानदार है जो चीटिंग करके ग्राहक से उसके डॉक्यूमेंट्स के कॉपी बना लेते थे और वहां से जो है सिम कार्ड्स निकाल के बिना डॉक्यूमेंट वाले जो सिम मार्केट में मिलते थे वो कैसे, इसी तरह का कुछ किया जाता था उस सिम के साथ में। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके नाम पर कुछ कोई ऐसा सिम कार्ड एक्टिव हो। मैं यहां पे एक और बात बताना चाहूंगा इसके बारे में, जो मैंने आप लोगों को जानकारी काफ़ी पहले दी हुई थी, तब जो ये सर्विस जो है नई शुरू हुई थी और आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा था कि ये जो है हमारे स्टेट में काम नहीं कर रहा है। और सरकार के मुताबिक ये सरकारी वेबसाइट है, जी हां, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की वेबसाइट है, और उनके मुताबिक ये जो है कहां कहां काम करता है मैं आपको यहां पे बता देता हूं। उनके मुताबिक ये जो है आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी, मतलब सिर्फ इन्हीं राज्यों में ये काम करता है। आपने कहीं यहाँ पे उड़ीसा का नाम सुना क्या? मेरे पास मेरे फ़ोन में जो सिम है वो उड़ीसा का नंबर है, तो उस नंबर का मैं यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ, और जो सिम आपके नाम पर नहीं है आप उस सिम को यहाँ से बंद भी कर सकते हो। इसका ये मतलब है कि इस लिस्ट में अगर आपका राज्य नहीं है तो वो भी काम कर सकता है। एक बार आप ट्राई कर लो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से दिल से गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके इस मेहनत को सफल जरूर बनाए और दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले मैं ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करते ही इस वाले वेबसाइट में आ जाओगे। यहां आने के बाद आपको जो है एंटर योर मोबाइल नंबर जहां कहा जा रहा है, यहां आपको अपना नंबर देना है, वो नंबर देना है जो फिलहाल आपके पास मौजूद है, जो नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है या फिर आपके नाम पर है। आपको वो नंबर देके रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। मैं कर देता हूँ। रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके फोन में एक ओटीपी आएगा। मेरा वो जो सिम है इस फोन में एक्टिवेट है, आ गया ओटीपी, तो मैं यहाँ इस ओटीपी को यहाँ दे देता हूँ। उसके बाद वैलिडेट आपको करना है जो लिस्ट में सबसे पहला नंबर है जिसको मैं अभी एक्टिव, मतलब एक्टिवेट है, जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा सबसे आखिर वाला नंबर जो है वो भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और बीच के जो दो नंबर है इनके बारे में मुझे पता नहीं। एक नंबर का मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि मैंने जब नया जियो शुरू हुआ था उस टाइम पर एक्टिवेट कराया था, उसके बाद बाकी का मुझे जो है पता नहीं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, तो इनमें जो चार नंबर है, एक नंबर का रिक्वेस्ट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, जो दूसरा नंबर है उसके बारे में मुझे कोई खास आइडिया नहीं है, मुझे याद नहीं है उसका यूज मैंने कब किया था। तो इस पर मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद दिस इज नॉट माई, नॉट रिक्वायर्ड, अगर ये मेरा नहीं है, मतलब किसी ने गलती से या फिर चीटिंग करके एक्टिवेट कराया है, तो दिस इज नॉट माई पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपको, आपका है और आपको अब जरूरत नहीं है, तो नॉट रिक्वायर्ड पर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या होगा, नेम ऑफ यूजर जो ऊपर में है वहां आपको अपना नाम पूरा लिख देना है, उसके बाद आपको जो लगे आप वो कर देना। मैं फिलहाल कर देता हूँ दिस इज नॉट माई, ये नंबर इसके बारे में मुझे कोई आइडिया है नहीं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके रिपोर्ट पर क्लिक करता, रिपोर्ट करते ही आपके रजिस्टर्ड नंबर में एक ट्रैकिंग आईडी आएगा कुछ इस तरह का। इसका मतलब है कि आपका नंबर जो है रिपोर्ट हो चुका है, इसकी जानकारी डीओटी के पास पहुंच चुकी है, वो जो है कुछ दिन लगेगा, उसके बाद वो नंबर जो है बंद हो जाएगा। पहला आप इसको ट्राई करो, फिर आप कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम मुझे बताएं और वहां काम किया या नहीं वो जरूर लिखें। दोस्तों आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।